हेलो गाइस, कैसे आप सभी? और आप सभी बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। मैं आपका म्यूजिक शेयर फिर से आ चुका हूँ नया रिएक्शन वीडियो लेकर, और ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो पहले उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना। ये गाना होने वाला है दिस इज हिप हॉप बाय बॉबी रंधावा। देखो, बॉबी रंधावा ने बहुत धूम मचा रखी है। ये आते हैं दिल्ली से, लेकिन ये इनका बैकग्राउंड होगा पंजाब से, लेकिन इन्होंने बहुत भयंकर आतंक सा मचा रखा है। मज़े आते हैं इनका रिएक्शन वीडियो करने में भी, और इनके बहुत ज़्यादा सपोर्टर है जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, और ये फाइनली टॉप थ्री में तो पक्का है। मेरे को तो ये लगता है कि यहाँ तक है कि ये जीत सकते हैं, ये खिताब ये जीत सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि इनके परफॉर्मेंस बहुत तगड़े होते हैं। इसलिए भाई, तो अभी इसका देखते कि कैसा होएगा ये गाना, फिर उसके बाद में करते हैं अब की बात, बीच बीच में बातें करते रहेंगे इस गाने के लिए। चलो ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। Yeah, bad boy, check. अज दसा थानू यारो हिप हॉप हुंदा की एह कैटेगरी किना ने स्टार्ट कीती सी। सूप डॉग दा सी नाम चलदा सी टॉप ते, पाक ने तरक्की रातो रात कीती सी। हो अस तो सी होई शुरुआत हिप हॉप दी, हौली हौली एशिया। भाई साहब, ये है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि हिप हॉप कहाँ से स्टार्ट हुआ है भाई, मतलब। और ये इनके जो उनसे वोकल है, जहाँ से म्यूज़िक स्टार्ट हुआ है, वो बहुत ख़तरनाक है, मज़े आ रहे हैं। हिप हॉप बीट है, और जो इसके अंदर बीट पैटर्न रखा गया है वो बहुत ज़्यादा तगड़ा है। उसको सुनने के बाद में लग रहा है कि भाई हाँ, गाना है, वोकल उस पर सही बैठा हुआ है, और सही मिक्सिंग हो रखी है गाने की, और बढ़िया आवाज़ आ रही है सुनने में, वो मज़ा आ रहा है। और वैसे आए था जो कि हिप हॉप बता रहे हैं, और जो कि सच बात है, अब ये एशिया के अंदर बिल्कुल फैला हुआ है, तो उसके बारे में भाई बात कर रहे हैं। हिट हो गया, पहली शुरुआत था पंजाबी रैप जैसी हुई, फिर चढ़ी खड़ी भाषा टिकले को हो गया, इंडस्ट्री चारों पेड़ चाल चल पई, हिप हॉप राही दूजियां नु गाल चल पई, गल अपनी दे करा मेरे फैन मेरा रब सानू जज्बा दित्ता कलमा दे जोर ने, इथे हिप हॉप बड़िया ने लाई पर भाई साहब। देखो मेरे को है ना, अभी इक्का पाजी के साथ में दे तो भाई, इक्का पाजी है ना, देखो कमर्शियल हिप हॉप और जो ये करते हैं जो देसी ये बहुत ख़तरनाक करता है। इक्का पाजी तो मेरे फेवरेट आर्टिस्ट है वैसे, इक्का पाजी जो बहुत तगड़ा हिप हॉप करता है। लेकिन अभी रंधावा की बात करते हैं, रंधावा यार देखो स्टार्टिंग से आए हैं ना भाई, इन्होंने है ना एक अपना जोनरा बना रखा है, बहुत तगड़ी तरीके से पकड़ रखा है। और ये नहीं है कि एक कैटेगरी पकड़ ली इन्होंने, नहीं, बिल्कुल ऐसा अगर किसी ने कह दिया हो तो बिल्कुल गलत है। और इन्होंने अपने गाने में भी वो चीज़ करके दिखा दिए कि भाई मैं एक ही कैटेगरी में, मतलब ये सोचते हो कि भाई मैं पंजाबी में गा सकता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हर एक चीज़ में परफॉर्म कर देते हैं, लेकिन जब बंदा अपने उस अदर को, अपनी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है यार, उसमें ये बात नहीं होती कि भाई तू तो पंजाबी में गाता है, नहीं भाई, ये हिंदी में भी करता है, ये इंग्लिश भी गा लेंगे, तो इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं भी हरियाणा से हूँ, अगर मैं हरियाणवी गाने लग गया तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यार मैं अपने कल्चर को वो कर रहा हूँ, मैं अपने हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं होती। कुछ लोग ये बात बोलते हैं कि बॉबी रंधावा है जो वो हिंदी रैप नहीं कर सकते, तो वो पंच बहुत गलत था। बीट पैटर्न बहुत सही आ रहा है यहाँ पे, बहुत सही लग रहा है यहाँ पे, जो म्यूजिक की और जो उनसे लीड आई है, ये गैंगस्टर, ये बहुत खतरनाक आ रही है। अगर आप ऐसे बीट्स बनाना चाहते हो तो भाई मेरे को ज़रूर बताना, मेरे को ज़रूर कॉन्टैक्ट करना, या फिर आप मेरे को कमेंट्स में भी बता सकते हो कि भाई इसके लिए ट्यूटोरियल ज़रूर लेकर आओ, फिर मैं आपके लिए वो ट्यूटोरियल ज़रूर लेकर आऊँगा कि आप कैसे बनाओ बीट, और आपको लाइव भी क्लास दे दूँगा मैं। ठीक है गाइस, करते आगे कंटिन्यू। ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਪਾਕ ਲਿਖਣਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀ ਆਪਣੇ ਦਾ ਪਾਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਸਾਲੇ ਰੈਪਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਪੈਸੇ ਦੇ
बिल्कुल करेक्ट बात भाई, बिल्कुल। ये जो बंदा है ना, ये बॉबी रंधावा भाई, बिल्कुल करेक्ट पंचेज मारता है। इसने क्या बात बोली है कि जो मतलब अपने पिताजी का बर्थडे याद नहीं रखते, वो भाई साहब इनको मतलब वो करते हैं। तो देखो इसमें है ना, वो बात रहती है कि ऐसा नहीं है कि अपने घर वालों को वो ज़्यादा वो नहीं रखते, नहीं ऐसा बिल्कुल गलत है, रखते हैं। लेकिन एक बात रहती है कि भाई मेरा जुनून है, मेरा पैशन है, मैं उसके लिए भाई मर सकता हूँ, तो वो वाली बात अड़ जाती है उसके लिए, जो भी हिप हॉप आर्टिस्ट होता है या फिर कोई आर्टिस्ट होता है, ठीक है। तो वो अपने जुनून को ही मानने लग जाता है कि भाई ये चीज़ मेरे लिए सब कुछ है, ठीक है। तो बस वो वाली बात रहती है। ਕਈ ਖੁੱਟ ਦੇ ਹੀ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਲੀਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਰਿਆ ਜ਼ਮੀਰ ਹਿੱਟ ਹੋਣ ਲਈ ਪੈਣਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰੀਲਾਂ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਤੇਰੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੇ ਉਸਤਾਦ ਮੇਰੀ ਐਕਸ ਦਾ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਗਾਇਕੀ ਜੋ ਬਿੱਲੋ ਆਵੇ ਰੈਪ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹਲਾਈ ਗੀਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਿੱਪ ਹੋਪ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਹਿੱਪ ਹੋਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ अभी जोन सा वर्स गया है ना, उसमें मैं थोड़ा बता देता हूँ कि है ना, ये सिद्धू पाजी को लेके थोड़ा थोड़ा मेरे को लग रहा था मैच था कि वहाँ से उनकी वाइब उठा के मतलब उधर से उनको पिन कर रहे हैं वहाँ से कि ये पाजी की याद आ जाए हमें। तो इनके बॉबी रंधावा के बहुत सही लिरिक्स जा रहे हैं यहाँ पर कि वो हमेशा अपने गानों में ज़रूर सिद्धू पाजी को याद करवा देते कि वो हमारे दिलों में अब भी जिंदा है, ठीक है गाइज। भाई ये जोन सा इनका अलाप है ना, ये बहुत सही है। इनका जोन सा वोकल टेक्सचर है ना, जो वोकल की रेंज है, पिच है, वो बहुत सही है। तो वो बहुत सही चुभती है कानों में, चुभती नहीं सही लगती है। और वो मज़ा आता है कि जो हिप हॉप आर्टिस्ट है वो अपने वोकल पे भी काम कर रहे हैं देखने में, कि भाई ये चीज़ अच्छी लगती है कि अगर एक हिप हॉप आर्टिस्ट को अगर किसी वोकलिस्ट की ज़रूरत ही नहीं होगी तो उससे बढ़िया चीज़ और क्या होगी कि वो खुद ही अपने गाने के अंदर खुद के ही वोकल चलाए, मतलब कि रैप भी वही करे और गाना भी वो गाए। तो ये चीज बहुत प्यारी लगी। ओ मैं सेली मुरे थाऊ तेरा नाम मुरे लुच्चा शरीके विच लाणा गुंडियां दा बजदा बस इको गनमैन ते मत करे विश्वास रिश्ते च मेरे चाचे दा ओ मुंडा लगदा तेरी बनदी नी राइम सानू समझ नहीं आउंदा फेर की ओ जिगंदे कुड़ियां तो जी दी अख वोंदा ਕਈ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਦਲੀ ਕਲਮ ਕਈ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕੰਟੈਂਟ ਚੱਕ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਗਾਣੇ ਅੱਜ ਹਿਪ ਹੌਪ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ। मैं एक और बॉबी रंधावा के बारे में बात बता, जब भी ये परफॉर्म करने आते हैं सबकी शक्लें बन जाती है, क्योंकि यार ये बहुत तगड़ा परफॉर्म करते हैं कहीं ना कहीं। मेरे को इनके हर एक गाने, मेरे को किसी में भी ये नहीं लगा कि इन्होंने बहुत मतलब अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करा या अपना बेस्ट नहीं दिया। काफ़ी गाने यार, इनके जितने भी गाने आए भाई, इन्होंने मज़ा दिला दिया, एक समा बांध दिया। और ये मैं इसलिए बोलता हूँ कि ये टॉप थ्री में, क्योंकि भाई ये इनके अंदर दम है और यूनिकनेस है, और ये अपने वोकल पे और अपने लिरिक्स पे बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, ठीक है गाइज। भाई क्या राइम, क्या रिदम और क्या वर्ड्स चुने गए, सिलेक्शन कितनी तगड़ी है वर्ड उसकी। तो वो आप देख लो कि आप मतलब अगर रैप आर्टिस्ट हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है यहाँ पे, क्योंकि आपको भी कल को गाने गाने हैं और रैपिंग करनी है। मैंने आपको वैसे बता रखा है कि हसल में कैसे जाना है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है गाइज़।
तो ये मैं आपको पहले बता देता हूँ कि बॉबी रंधावा जो कर रहे हैं परफॉर्मेंस जो था, इन्होंने बोला मम्मल नहीं है ये, मम्मल रैप नहीं चल रहा है भाई, ये मतलब अपनी तरफ से पॉइंट मारा इन्होंने, किसी को लेकर नहीं, पर वही है कि पिंच करना बहुत सही रहता है गानों के अंदर खुद को वायरल करने के लिए। देखो ये मतलब अगर एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट की अगर बात नहीं करेगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। देखो डिसरिस्पेक्ट नहीं होती, वो आर्टिस्ट की ज़रूर बात करनी चाहिए कि भाई ये वो है वो है, सब अपने आप को बेहतर बताते हैं क्योंकि मामले में। तो गाइज मैं ये बोलना चाहता हूँ इसके अंदर कि अगर मतलब डिस नहीं करना किसी को, लेकिन उसके बारे में थोड़ा हल्का हल्का हिंट दे दो तो जिसको समझ में आया है तो उनके आर्टिस्ट भी खींचेंगे ना आपकी तरफ। तो गाइज वो थोड़ा है ना टेक्निक होती है कि अपने आप को और अपने थोड़े कला को दिखाने की, तो वो बहुत सही। और जोन सा अभी इन्होंने जो वोकल उठाया था जो बहुत सही लग रहा था, वो भाई बहुत प्यारा खींचा था इन्होंने, जिस स्केल पे खींचा वो कानों को सुन के अच्छा लगा। फिर इन्होंने एक ही दम चेंज कर दिया, तो वो टेक्निक आप अपने गानों पर अप्लाई करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और यूनिक लगेगा आपका गाना, वो सुनोगे तो बहुत ज़्यादा यूनिक अच्छा लगेगा और कुछ नया निकल के आएगा। बिल्कुल सही पाजी, बहुत बढ़िया गाया बॉबी रंधावा ने, बहुत सही बात बोल रहे कि हमारी बात अलग है, सबसे अलग है, गल्ला होड़ ने भाई इनकी, तो इनका कोई तोड़ नहीं है भाई, यहाँ पे होड़ नहीं लगा सकता बॉबी रंधावा से, क्योंकि भाई इनके परफॉर्मेंस रहते हैं हमेशा से बेस्ट एम बेस्ट। और इसमें भी इन्होंने ब्लास्ट करा है, वो देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आया है गाइज। और मेरे रिएक्शन वीडियोज़ में अगर कोई कमी लगी हो तो वो भी बता देना गाइज, मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, अपने ऊपर भी वर्क कर रहा हूँ मैं, थोड़ा और वीडियोज़ को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है गाइज। लेकिन इस ट्रैक के बारे में बात करते तो भाई ये बहुत सही लिखा हुआ है गाना, इन्होंने खुद ही लिखा है और खुद ही परफॉर्मेंस करिए और खुद ही इन्होंने कंपोज भी किया है, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़िया बात हो जाती है आर्टिस्ट के लिए कि वो खुद ही लिरिक्स लिख लेता है। देखो अगर रैप आर्टिस्ट है तो वो खुद ही लिखे तो ज़्यादा बेहतर रहता है, लेकिन किसी का उठा के काम करे तो वो हनी पाजी का बात अलग है, हनी पाजी तो एक प्रोड्यूसर है तो वो अपने आप संभाल लेते हैं सारी चीज़ें। तो गाइज आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अगर आप कोई भी मिक्सिंग से रिलेटेड आप मेरे से कोई भी वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, या फिर आप म्यूज़िक से रिलेटेड आपको कोई बीट बनवानी हो तो उसके लिए भी आप मेरे को डीएम कर सकते हो इंस्टा पर, इंस्टा का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। म्यूजिक शायर से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पर आप मेरे से बात कर सकते हो और मेरे से पूछ सकते हो कि मिक्सिंग कैसे और मास्टरिंग का कोर्स कैसे कैसे होता है, वो उसके लिए मैं फिर आपके लिए वीडियोज लेकर आऊंगा नए, ठीक है गाइज। मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइज, हर हर महादेव सभी को।